वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी? बिल्कुल सर। सॉरी ये थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली ये अभी मैं थोड़ा लेट हूँ और वो अभी अटेंडेड भी नहीं आया, लैब अभी बंद है तो थोड़ा सा वेट करने वो आ रहा है। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं 10 मिनट। ठीक है
मार्क कर दो। अरे ये कैमरा ठीक है? हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सॉरी फॉर लेट, थोड़ा सा दिक्कत है। So this is our lab, fundamentals of microbiology. Okay, last time हम लोगों ने क्या किया था? Differential staining की थी। Differential staining में हम लोगों ने, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes sir. जी सर। डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंदर हम लोगों ने पहले की थी ग्राम स्टेनिंग, एंड सेकंड इसके बाद हमने कौन सी की थी? एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट, एम आई राइट? तो इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने ग्राम बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था। क्या हमने किया था? कुछ बैक्टीरिया हमारे पास क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव होते हैं, जिनकी सेल वॉल के अंदर क्या होता है? ट्रिकोइक एसिड होता है। और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। और देन हमने क्या किया था कि हमने एक और स्टेन की थी, एसिड फास्ट स्टेन, जो कि इस स्टेन को रिएक्शन नहीं दे रही थी। तो उसके लिए हमने कौन सी की थी? एसिड फास्ट स्टेन। तो उसमें हमारे पास क्या क्लासिफिकेशन आई थी? कुछ बैक्टीरिया हमारे पास क्या है कि वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं, ड्यू टू देयर रेजिस्टेंट टू एसिड फास्ट डीकलराइजर, and some of them was non-acid fast. Okay, तो आज के जो आपका बेसिकली टॉपिक है वो हम देखेंगे कि अगर आप लोगों ने बैक्टीरिया को इन विट्रो ग्रो करवाना हो लैब के अंदर, तो देन आप लोग कैसे करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए होता है? जैसे हमें सर्वाइवल के लिए डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं, ऐसे ही इनको सर्वाइवल के लिए ईच एंड एवरी थिंग चाहिए होती है जो कि इनकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास इनका कल्चर मीडिया आ जाता है, या फिर आप कहते हैं कि मीडिया, ग्रोथ मीडिया। ग्रोथ मीडिया किसका? फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। तो हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग आर्टिफिशियली एक कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं, मीडिया जिसके अंदर क्या करवा सके कि हम अपने बैक्टीरिया को ग्रो करवा सके। उसमें हमने जो बेसिकली चीजें इनको अप्लाई करनी होती हैं, जो इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है फॉर देयर एग्जिस्टेंस एंड फॉर देयर सर्वाइवल, तो उसमें क्या क्या आ जाती है? इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और देन इनको क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, और देन इनको क्या चाहिए? इनको विटामिंस चाहिए। इसके बाद इनको क्या चाहिए? विटामिंस, या फिर आप लोग कह रहे हैं इनको मिनरल्स चाहिए। इसके बाद इनके बॉडी को सर्वाइव करने के लिए बफर चाहिए होते हैं, फॉर द मेंटेनिंग पीएच। और देन इसके बाद इनको क्या चाहिए? डिफरेंट केमिकल्स चाहिए, जो कि इनहिबिटर या स्टार्टर के तौर पे एक्ट करेंगे। और देन इनको जो चीज़ चाहिए वो इनको ग्रोइंग एजेंट चाहिए। अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो इन न्यूट्रिएंट्स में इनके पास क्या क्या आ जाते हैं? इनके पास प्रोटीन आ जाती है,
प्रोटीन अमीनो एसिड कह लें या फिर आप कह लें कि इनको क्या चाहिए होता है, इनको पेप्टाइड्स चाहिए होते हैं, या फिर आप मोस्ट इसको कह देते हैं पेप्टोन्स। आपके पास ये वाला जो पार्ट है न्यूट्रिएंट वाला पार्ट, दैट इज कंपनसेटेड बाय मीट एक्सट्रैक्ट। जो आपके पास मीट एक्सट्रैक्ट होता है, इसके अंदर जो मेजर सोर्स होता है वो किसका होता है, वो आपके पास प्रोटीन का होता है। और प्रोटीन में भी क्या होता है, इसमें देन पेप्टोन होते हैं जो कि किसके एनरिच होते हैं, अमीनो एसिड के। और देन इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, कुछ लिपिड्स भी होते हैं, और देन कुछ इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का भी पार्ट होता है। और ये वाली जो न्यूट्रिएंट वाली जो इनकी रिक्वायरमेंट है, डैट इज कंपनसेटेड बाय मीट एक्सट्रैक्ट, या फिर आप इधर यीस्ट एक्सट्रैक्ट भी यूज कर सकते हैं। ओके हो गया। और देन इनको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में आप मोस्टली क्या यूज कर लेते हैं, आप लोग ग्लूकोज यूज कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है तो वो क्या करेंगे, आप ग्लूकोज की जगह पे लेट्स सपोज आप लैक्टोज यूज कर रहे हैं, या फिर आप इस जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, कोई डाइस्क्राइड यूज, कोई और यूज कर रहे हैं, एक्सुक्रोज यूज कर रहे हैं। अगर वो कौन से बैक्टीरिया होंगे, उनके अंदर फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो इन चीजों को फर्मेंट कर देंगे, कोई एसिड बना देंगे, और आपके बैक्टीरिया जो कल्चर है। सर बोर्ड क्लियर नजर नहीं आ रहा, बोर्ड नहीं नजर आ रहा मुझे, तो क्लियर नजर नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा जी सर, ब्लैक मार्क सर, लाइट नहीं है ना, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप लोग ग्लूकोज या फिर कोई लैक्टोज वगैरह यूज कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या चाहिए होता है, मिनरल्स या विटामिन, जिनमें आपके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, या फिर आपके पास आयरन, या फिर आपके पास फास्फोरस, या फिर आपके पास सल्फर। ये डिफरेंट क्या है, ये डिफरेंट मिनरल्स हैं, या फिर ये क्या करते हैं, एंजाइम के साथ एज अ कोफैक्टर एक्ट करते हैं, ये भी आप लोगों ने ऐड करने होते हैं। उसके बाद कुछ आप लोगों ने क्या यूज करने, बफर यूज करने होते हैं। बफर आप लोग यूज करते हैं कि ताकि आप जो बैक्टीरियल पीएच है उनकी पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें आपके पास एसीटेट बफर हो गए, या फिर इनमें फॉस्फेट कंटेनिंग बफर हो गए, वो आप लोग यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि आपके पास कोई केमिकल्स होते हैं डिफरेंट, आप लोग क्या यूज करते हैं केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल किसकी बेस पे, कि आपके पास जो मीडिया होता है वो सेम नहीं होता। कुछ जो मीडिया वो आपके पास क्या होते हैं, एनरिच होते हैं, कुछ आपके पास सिलेक्टिव होते हैं, कुछ आपके पास इंडिकेटर मीडिया होते हैं, कुछ आपके पास कौन से मीडिया होते हैं, कुछ आपके पास बेसिक मीडिया होते हैं। तो वो जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट केमिकल्स है। अगर हम बात करें कि हमारे पास सिलेक्टिव मीडिया है, तो सिलेक्टिव मीडिया के अंदर आप लोग क्या यूज करते हैं, आप लोग डिफरेंट सिलेक्टिव केमिकल यूज करेंगे। अगर हम बात करें कि आप लोगों ब्लड एगर बनाना हो, तो ब्लड एगर में आप क्या करेंगे कि आपने बेसिकली क्या बनाया, पहले मीडिया, बेसिक मीडिया बनाया हुआ है, देन उसके अंदर आप लोगों ने ब्लड ऐड किया हुआ है। या फिर मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने मैकॉन्की मीडिया बनाना है, तो उसमें आपने क्या किया हुआ है, मैकॉन्की मीडिया के अंदर आप लोगों ने कोई इंडिकेटर यूज किया हुआ है, जो क्या करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका ग्रोथ करवाते हैं, तो आपके पास जो इसका कलर होता है आपके मीडिया का, डैट इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब इसके ऊपर ग्रोथ आ जाती है स्पेसिफिक बैक्टीरिया की, देन इट कन्वर्टेड इनटू रेड और पिंक। वो रेड और पिंक क्यों हो गया, क्योंकि उसके अंदर आपने क्या ऐड किए, इनहिबिटर ऐड किए हुए हैं। इनहिबिटर कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो दूसरों की ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे और अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करवाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, आप डिफरेंट केमिकल यूज करते हैं। ओके हो गया। देन इसके बाद आप लोगों ने कुछ जेलिंग एजेंट ऐड किया होता है, जेलिंग एजेंट। जेलिंग एजेंट क्या करता है, एक्चुअली ये एक बेड प्रोवाइड करता है फॉर द
purpose of their growth. तो आपके पास जो different gelatin agent है वो आपके पास क्या क्या हो सकते हैं? जी ये ब्लू मार्कर से सही नजर आ रहा था, ब्लैक से तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आपके पास जो जेलिंग एजेंट है उसमें क्या क्या आपके पास होता है? आपके पास या तो एक्राइल अमाइड जेल होती है, एक्राइल अमाइड जेल, या फिर आपके पास सिलिका जेल है, या फिर आपके पास क्या है एगर होता है जो मोस्टली बैक्टीरियल कल्चर में यूज होता है, डेट इज एगर। ये एगर एक्चुअली क्या है? दिस एगर इज एक्चुअली सीवीड प्रोडक्ट है। सीवीड है क्या, आप इसको एलजी कह रहे हैं। ये एलजी से क्या होता है, एक्सट्रैक्ट आउट होता है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये एक्चुअली जेलिंग एजेंट है। जब इसका टेम्परेचर क्या होता है नॉर्मली, जब ये 45 जब बॉयल करना तो इसका बॉयलिंग टेम्परेचर होता है 90 to 100 डिग्री, और इसका जो मेल्टिंग है वो है इसका 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस पे क्या करता है, इसका ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है, और इस टेम्परेचर में क्या होता है, ये बॉयल हो जाता है। तो इसके अंदर डिफरेंट क्या होती है, इसकी डिफरेंट इसमें तो इसकी इस प्रॉपर्टी के बेस पे कि ये एक तो लिक्विड में भी, अगर आपने लिक्विड मीडिया बनाना हो तो उसमें भी ये बेड प्रोवाइड करता है, अगर आपने क्या बनाना हो सॉलिड मीडिया बनाना हो तो उसके अंदर भी ये अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर हम मीडिया की क्या करें, क्लासिफिकेशन करें, हमारे पास जो डिफरेंट मीडिया होते हैं या जो हम ग्रोथ मीडिया बनाते हैं, अगर हम उनको क्लासीफाई करना चाहें तो उनकी हम दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। किस किस बेसिस के ऊपर? एक हम उनकी फिजिकल जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस या उनकी जो कंसिस्टेंसी है, क्लासिफिकेशन अगर हम इनकी करना चाहें, आपके पास जो ग्रोथ मीडिया है इनको अगर आप लोग क्लासिफाई करना चाहें तो देन आपके पास क्या होता है कि आपके पास टू बेसिस हैं। कौन कौन सी? एक आपके पास है उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस या उनकी कंसिस्टेंसी है, उसकी बेस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर किस बेस पे कि उनके जो केमिकल नेचर है, जो उनके अंदर आप लोग क्या यूज कर रहे हैं, कोई केमिकल ऐड कर रहे हैं, उनकी बेस पे। अगर आप कंसिस्टेंसी के बेस पे क्लासिफाई करना चाहें तो आपके पास तीन डिफरेंट कलर डिफरेंट टाइप्स के क्या आ जाते हैं, मीडिया आ जाते हैं। ऑन ही रहने ठीक है, ऑन करते हैं। आपके पास सॉलिड मीडिया आ जाता है कंसिस्टेंसी के बेस पे, या जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस है उसके बेस पे सॉलिड मीडिया होता है, या जिसको आप न्यूट्रिएंट एगर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपके पास मीडिया प्रेजेंट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, या वो उनको आप एट्रिप्लेट के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाता है, वो सॉलिड हो जाता है। इसको आप क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट एगर कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है। और सेकंड आपके पास क्या आ जाते हैं, आपके पास लिक्विड मीडिया आ जाता है जो किस फॉर्म में होता है, आपके पास लिक्विड की शेप में होता है, इसको आप एल्गी ब्रोथ भी कहते हैं, एल्गी मीडिया। ठीक है, ये आपके पास टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, तो ये लिक्विड की फॉर्म में होता है। ओके हो गया। और देन आपके पास क्या आता है कि आपके पास कोई देन आपके पास होता है सेमी सॉलिड मीडिया। सेमी सॉलिड मीडिया क्या होता है कि जिसके अंदर क्या होता है, ना तो वो लिक्विड होता है ना वो सॉलिड होता है, वो ट्रांजिशन स्टेट में होता है। वो कौन स्टेट होती है, जेल की शेप में होता है, मतलब ना वो इतना सख्त है ना वो नरम है। तो इसमें आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास एगर स्लॉन्स आ जाते हैं।
इसके अंदर एक्चुअली जो आपके पास सॉलिड मीडिया होता है इसमें जो एगल की परसेंटेज होती है वो होती है 1.5 से लेके 2% तक। देन आपके पास मीडिया कौन सा बनता है, एगल बनता है अलॉन्ग दिस दीज न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो एगल की परसेंटेज है वो इतनी होनी चाहिए। देन जो आपके पास लिक्विड मीडिया है इसमें जो एगल की परसेंटेज होती है डेट इज अबाउट लेस देन 0.05%। जो आपके पास सेमी सॉलिड मीडिया आता है इसमें कितनी होनी चाहिए, 0.5 से 1.5% है। देन आपके पास ये वाले तीन डिफरेंट जो इनकी क्लासिफिकेशन होती है इनकी ऑन द बेस ऑफ कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी के बेस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया और आपके पास सेमी सॉलिड मीडिया आ जाता है। अगर हम केमिकल की बेस पे इनको क्लासिफाई करना चाहें तो केमिकल की बेस पे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि आप इनके अंदर जो डिफरेंट केमिकल्स ऐड कर रहे हैं उनकी बेस पे। तो केमिकल्स की बेस पे हमारे पास क्या होता है, जो सबसे पहले हमारे पास आता है डेट इज योर बेसल मीडिया। बेसल मीडिया एक्चुअली किसके होता है, ये किसी बैक्टीरिया स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए नहीं होता। आप क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर जो कोई भी जो स्ट्रेन है आप उसको ग्रोथ करवा सकते हैं, नॉट फॉर स्पेसिफिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्या करवा, किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हैं। कोई इसके ऊपर लाजमी नहीं है कि इसके ऊपर लाजमी जो आपके पास माइक्रो बैक्टीरियम है वो ग्रो करेगा या जो आपके पास हीमोफिलस बैक्टीरिया वो ग्रो करेंगे, नहीं, ये आप इसमें कोई भी बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हैं। इसके आपके पास जो एग्जांपल आ जाते हैं वो जो भी आपने तीन मीडिया डिस्कस किए हैं वो एक्चुअली कौन से बेसल मीडिया है, न्यूट्रिएंट मीडिया, न्यूट्रिएंट एगर, या फिर आपके पास एग्री ग्रोथ आ जाए, या आपके पास एक्चुअली क्या, आपके पास एक्चुअली बेसल मीडिया है। अगर आप इसके बाद अगेन बात करें कि आपके पास आ जाते हैं बेसल मीडिया के बाद एनरिच मीडिया, एनरिच मीडिया क्या होते हैं कि आपने इनके अंदर जो आपका होता तो बेसल मीडिया है लेकिन आपने इसमें एक स्पेसिफिक कोई केमिकल यूज किया होता है, कोई स्पेसिफिक रिएजेंट ऐड किया होता है। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ ब्लड एगर की, ये भी हमारे पास क्या है एक्चुअली, ये भी हमारे पास है तो एक मीडिया लेकिन इसके अंदर हमने क्या यूज किया हुआ है, हमने ब्लड यूज किया हुआ है अलॉन्ग विद, वैसे इसके अंदर जो आपने बेसल मीडिया पर बनाना हो उसमें आप लोग क्या 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 चीजें यूज करते हैं, एक तो उसके अंदर पेप्टोन होता है और देन इसके अंदर यीस्ट एक्सट्रैक्ट होता है, देन इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों ने इसमें NaCl यूज किया होता है और देन इसके अंदर एगर होता है और इसके बाद वाटर होता है। ये बेसिक चीजें होती हैं फॉर 100,000 ml या 1,000 ml या 1 लीटर के लिए जो एगर यूज होता है डेट इज अबाउट पेप्टोन आपके पास 15 ग्राम, ये 5 ग्राम और जो NaCl है वो आपके पास होता है टोटल इसमें आई थिंक सो 10 ग्राम, जो एगर है वो 15 ग्राम। तो वैसे ये क्या होता है आपके पास जो मिक्स फॉर्म होता है, होमोजीनियस फॉर्म है, ये सारी चीजें उसके अंदर मिक्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि आप लोगों ने जस्ट 28 ग्राम लेना होता है उस पाउडर का, ठीक है, और उसको आपने 1000 ml के अंदर डिजोल्व करना होता है, उससे आपको क्या बन जाता है 1 लीटर आपका, आपने जो भी मीडिया बनाना हो न्यूट्रिएंट एगर बनाना चाह रहे हैं तो उसमें अगर आप 28 ग्राम ऐड करेंगे तो ये आपका 2% होगा इसमें एगर होगा, ठीक है, तो आपका कौन सा होगा, वो आपका न्यूट्रिएंट एगर होगा। अगर आप एल्गी ग्रोथ बनाना चाह रहे हैं तो इसकी आप क्वांटिटी को क्या कर दें, आप कर दें जहाँ पे आप 28 कर रहे हैं इधर आप कितना कर दें 14 ग्राम कर दें, तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका एल्गी मीडिया या ग्रोथ मीडिया बन जाएगा। तो एनरिच मीडिया कौन सा होता है जिसमें आपने कोई एक्सटर्नल केमिकल यूज किया होता है। अगर मैं कह दूं आप लोगों ने ब्लड यूज किया हुआ है, शीप का ब्लड आपने शीप ब्लड यूज किया है, 10 ml यूज किया है,
तो आपका ये वीडियो किस कलर का होगा, ये वीडियो आपके पास ब्लड कलर का होगा। ये एक्चुअली किसका ही होता है, ये आपके पास जो हीमोफिलस बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए होता है, या फिर आपके पास जो कौन से एंट्रिक जो क्या करते हैं, जो आपकी गट के अंदर होते हैं, जो बैक्टीरिया क्या करते हैं आपकी गट को इंफेक्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए आप कौन सा यूज करते हैं, हीमो ब्लड एगर, ठीक है। या फिर आपके पास एक और इसमें आ जाती है, जो एग्जांपल आ जाती है वो आपके पास आ जाती है लॉयंस की जैसे मीडिया। सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा जी, बोर्ड नजर नहीं आ रहा, बोर्ड नहीं नजर आ रहा जी सर। और लॉयन स्टैन जेंसन मीडिया, ये एक्चुअली किसकी ग्रोथ के लिए होता है, ये आपके पास आता ग्रोथ ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम। अगर आपने माइक्रोबैक्टीरियम का कल्चर लगाना हो तो देन आप कौन सा मीडिया यूज करते हैं, लॉयन स्टैन जेंसन मीडिया। तो इसके अंदर आपने एक्चुअली क्या यूज किया होता है, इसमें आपने एक्चुअली मेला शीट ग्रीन आपने अप्लाई की होती है, मेला शीट ग्रीन आपने इंडिकेटर यूज किया होता है। तो क्या करता है, जब ये बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो कर जाता है तो ये वाला जो आपके पास मीडिया इसका कलर क्या हो जाता है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीन कलर। वो ग्रीन कलर क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर क्या आपके पास माइक्रोबैक्टीरियम प्रेजेंट है। ये आपके पास कौन सा मीडिया होता है, ये आपके पास एनरिच मीडिया होता है। और देन इसके बाद आपके पास कौन सा मीडिया आ जाता है, सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया कौन सा होगा, सिलेक्टिव मीडिया जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करता है, ये एक्चुअली होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक बैक्टीरियम, फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक बैक्टीरियम, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप सिलेक्टिव मीडिया यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मीडिया है मैकॉन्की मीडिया है, मैकॉन्की मीडिया। ये मीडिया एक्चुअली किसके लिए यूज होता है, ये आपके पास यूज होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ किसके लिए, लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। मैकॉन्की मीडिया ये क्या करता है, ये जो लैक्टोज वाले जो बैक्टीरिया है, जो क्या करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो लैक्टोज क्या करवाते हैं, फर्मेंटेशन करवाते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास जो इनिशियल मीडिया बनता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन अगर उसके अंदर क्या हो कि उसके अंदर आपका जो लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, तो जब वो क्या करवाएंगे, फर्मेंटेशन करवाएंगे तो एसिड प्रोड्यूस होगा। तो वो एसिड क्या करता है कि इधर आपने कोई इंडिकेटर भी यूज किया होता है, वो इंडिकेटर क्या होता है, जब इसमें एसिड प्रोड्यूस होता है तो इस द्वारा जो मीडिया का कलर है वो क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है, ठीक है। और देन इसको आप क्लासिफाई किससे कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट किससे कर रहे हैं, लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग जो कि फर्मेंटेशन नहीं करते बट वो है कौन से, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, या फिर आप इनको क्यों यूज करते हैं, इस मीडिया को, ये मीडिया आप यूज करते हैं जो आपके पास बैक्टीरिया होते हैं इन मिल्क,
मिल्क के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी आप उनके लिए यूज करते हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए, ठीक हो गया। तो इसके बाद कौन सा मीडिया आता है आपके पास, इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया एक्चुअली कौन सा होता है जो क्या करता है कि जब आप फास्ट एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाता है, ग्रो कर जाता है, तो वो क्या करता है, वो कुछ इंडिकेशन शो करता है। जैसे भी हमने इसकी मैकॉन्की एगर की बात की है कि जब इसके अंदर लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर आपके पास रेड हो जाएगा। वो रेड कैसे हो रहा है कि इसके अंदर जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर क्या हुई है, फर्मेंटेशन हुई है। इसके अंदर जो बाकी साल्मोनेला या फिर कोई और स्पीशी होगी उनकी ये ग्रोथ को क्या कर देंगे, ये इनहिबिट कर देंगे मैकॉन्की एगर के अंदर ये वाले बैक्टीरिया। और इससे क्या होगा, एक टन की जो है वो तो इनसे इसने क्लासिफाई कर दिया और बाकी इसने इनकी कन्फर्मेशन कर दिया है बाय चेंजिंग देयर कलर ऑफ योर एगर। ये आपके पास एक्चुअली क्या आते हैं, आपके पास एक्चुअली केमिकल की बेस पे रूटीन मीडिया आते हैं, रूटीन मीडिया। बाकी और भी बहुत सी मीडिया हैं लेकिन हम ध्यान रखें स्पेसिफिक रहेंगे। अच्छा अब हम देखते हैं कि अगर हमने क्या करना हो कि हमने जो कोई मीडिया हम बनाना चाह रहे हैं, हम बनाना मैकॉन्की मीडिया बनाना चाह रहे हैं या एंड्रिच मीडिया बनाना चाह रहे हैं या फिर हमें क्या है कि हमने बेसल मीडिया बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे प्रैक्टिकली, हम ये कैसे करेंगे, तो वो देख लेते हैं। जो आज हमारा स्पेसिफिक प्रैक्टिकल है डेट इज प्रेपरेशन ऑफ योर ग्रोथ मीडिया। तो हम कौन सा ग्रोथ मीडिया बनाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं हम दो मीडिया बनाएंगे डेट वुड बी कौन कौन सा, हमारे पास एक होगा न्यूट्रिएंट एगर होगा, एक हम न्यूट्रिएंट एगर बनाना चाह रहे हैं और सेकंड हम एल्गी ग्रोथ मीडिया बनाना चाह रहे हैं। ये हमारे पास सॉलिड होता है और ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इनके लिए हमारे पास वो पाउडर दिखाओ, मैं न्यूट्रिएंट फॉर्म हमारे पास ये जो न्यूट्रिएंट एगर है इसके अंदर जो बेसिकली चीजें होती हैं ये हमारे पास प्रिपेयर्ड फॉर्म में आता है, दोनों देखो ये आपके पास किस फॉर्म में आता है, पाउडर के फॉर्म में होता है। इस पाउडर में एक्चुअली क्या क्या होता है, इसमें वो सारी चीजें होती हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं, इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, इसके अंदर आपका क्या होता है आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें आपके मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर आपकी जिलेटिंग एजेंट होता है, जेलिंग एजेंट जिसको आप क्या कहते हैं आपका एगर, और इसके अंदर क्या होता है, और इसके अंदर होता है NaCl भी होता है, ठीक है। ये सारी चीजें किसके अंदर होते हैं, इस पाउडर फॉर्म में होते हैं, एंड दिस इज योर पाउडर
डेट इज वेरी स्मेली, मैं आपको नहीं करूंगा बट जस्ट इसको आपको और कुछ दिखा दूंगा। ये एगर पाउडर है, तो आप क्या करते हैं कि अगर आपने बनाना हो लिया, कितना बनाना हो आपने एगर बनाना है, न्यूट्रेंट एगर या सॉलिड मीडिया बनाना चाह रहे हैं, तो रिमेम्बर इसके लिए आप क्या करते हैं कि इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपके पास जो एगर की परसेंटेज है दिस वन, इसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 2% होनी चाहिए। अगर आपके मीडिया के अंदर एगर 2% है देन इट वुड बी योर सॉलिड मीडिया या जिसको आप न्यूट्रेंट एगर कहते हैं। अगर आप एलबी ब्रॉथ बनाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर जो एगर की परसेंटेज है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 0.5% का, ठीक है। अगर 0.5% आपका एगर इसके अंदर होगा देन इट वुड बी योर लिक्विड मीडिया। अगर आपने इस पाउडर से ये वाला मीडिया प्रिपेयर करना हो तो आप क्या करते हैं कि ये वैसे स्पेसिफिक होता है फॉर 1 लीटर, अगर आप 1 लीटर बनाना चाह रहे हैं तो 1 लीटर के लिए आप क्या करेंगे, 1 लीटर वाटर के अंदर आप ये पाउडर कितना यूज करेंगे, आप लेंगे 28 ग्राम। अगर 28 ग्राम 1 लीटर के लिए आप लेंगे देन इसके अंदर जो न्यूट्रेंट एगर है डेट वुड बी 2%, और ये 2% होगा अदन ये आपका कौन सा मीडिया होगा, सॉलिड मीडिया होगा। अगर आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप एलबी ब्रॉथ बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आपने कितना लेना है फॉर 1 लीटर, फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर, तो ये आप बेसिकली लेते हैं 12 ग्राम फॉर 1 लीटर। अगर आपने क्या बनाना है कि लेट्स सपोज आप बनाना चाह रहे हैं 100 ml के अंदर बनाना चाह रहे हैं तो 100 ml के लिए आप लेते हैं 7 ग्राम, ठीक है। और इसमें अगर आप बनाने ब्रॉथ के लिए बनाना हो तो इसमें 100 ml के लिए आप कितना लेंगे, ये आप लेंगे 3.5 ग्राम, ठीक हो गए। तो इस तरह आपके पास क्या बन जाता है, ये मीडिया बन जाता है। अच्छा, अब इसको बनाना कैसे होता है, आप क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव योर, अच्छा आपने क्या करना होता है कि आपने, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप जो काम करेंगे वो सारे एसेप्टिकली करेंगे, एसेप्टिक एनवायरनमेंट के अंदर। एसेप्टिक एनवायरनमेंट आप कैसे अप्लाई करेंगे, आप इसको स्टीम देंगे, आप इसको क्या प्रेशर अप्लाई करेंगे और देन इसको बॉयल भी करेंगे, और क्या करेंगे, आपने जो अटेंसिल यूज करेंगे, लेट्स सपोज आप क्या यूज करना चाह रहे हैं, आप यूज करना चाह रहे हैं योर फ्लास्क, या फिर आप क्या यूज करना चाह रहे हैं, आप कोई एसक्यू यूज करना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई जो आपके पास पैटरी प्लेट्स हैं आप उनको यूज करना चाह रहे हैं, तो इनको पहले आपने क्या करना है, इनको आपने पहले ऑटो क्लेव करना है। बोर्ड नहीं सर नजर आ रहा नीचे जी, इसको थोड़ा नीचे बोर्ड, अब ये जो चीजें यूज करेंगे आपकी फ्लास्क हो गई या आपकी टेस्ट ट्यूब हो गई या फिर आपकी बैटरी प्लेट हो गई, इनको आपने पहले क्या करना है, आपने ऑटो क्लेव करना है। ऑटो क्लेव में एक्चुअली आप क्या करते हैं कि आप लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं कि आपने टेम्परेचर कितना दिया होता है, टेम्परेचर आपके पास होता है 121 डिग्री सेल्सियस, और आपने प्रेशर कितना अप्लाई किया होता है, प्रेशर आपके पास होता है 15 पास्कल होता है, और ये कंडीशन आप कितने टाइम के लिए अप्लाई करते हैं, ये कंडीशन आप अप्लाई करते हैं फॉर 15 मिनट। जब आप ये इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे जो आपके पास स्टीम पैदा होगी, वो स्टीम क्या करेगी, वो एक्चुअली वो आप इन अटेंसिल्स को क्या कर देगी, स्टरलाइज कर देगी। जब ये स्टरलाइज हो गए देन दे आर रेडी फॉर योर यूज। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बनाना चाह रहे हैं कि हम बनाना चाह रहे हैं, हम न्यूट्रेंट एकर बनाना चाह रहे हैं और ब्रॉथ मीडिया बनाना चाह रहे हैं, तो हम कितने में बनाना चाह रहे हैं, 100 ml के अंदर, और ये भी हम 100 ml के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड हम अपने मीडिया का वे करेंगे और देन हम वाटर लेंगे। लेट्स गो, ये हमारे पास फ्लास्क है, इसके अंदर हम बनाना चाह रहे हैं एलपी, और इसके अंदर हम
न्यूट्रिएंट एगर बनाना चाह रहे हैं तो 100 ml करिए इसके लिए हमारे पास था कि हमने 7 ग्राम और इसका हमें कितना लेना आता है 2.5 तो आप क्या करेंगे आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर 10 ml वाटर लेंगे फ्लास्क के अंदर और ये 7 ग्राम आप जो पाउडर है न्यूट्रिएंट पाउडर उसको आप वे करेंगे और इसको आप इधर ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद आप इसको अच्छी तरह शेक करेंगे करने के बाद आपने क्या करना है जो रिमेनिंग 90 ml वाटर है वो भी आपने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे आपने इसको हॉट प्लेट के ऊपर रख देना है। हॉट प्लेट के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा ये एक्चुअली बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे अगर आप हॉट प्लेट के ऊपर नहीं रख रहे आपने यहाँ तक इसके अंदर रख दिया ये दोनों चीजें ऐड कर दी इसको थोड़ी सी देर के लिए आपने रखा इसके अंदर ओवन के अंदर। ओवन में रखने से क्या होगा कि आपका ये वाला जो मीडिया है पाउडर है वो इसके अंदर अच्छी तरह डिजॉल्व हो जाएगा। अब आपने क्या कि आपने इसको अच्छी तरह एयर टाइट किया और एयर टाइट करने के बाद आपने इसको रैप किया और रैप करके आपने क्या कर दिया इसको ऑटोक्लेव के अंदर रख दिया। ऑटोक्लेव में रख से क्या होगा ये भी आपका जो मीडिया ये भी क्या हो जाएगा स्टेरलाइज हो जाएगा। तो ये वाली जो आपकी चीजें हैं ये आपकी फ्लास्क हो गई या फिर आपकी क्या जस्ट आपकी बैटरी प्लेट्स हैं इनको आपने क्या करना अच्छी तरह रैप करके किसी अखबार के अंदर तो इनको आपने रैप करके किसके अंदर रख देना है इधर ऑटोक्लेव के अंदर रख देना है। तो आफ्टर क्योंकि ये जो ऑटोक्लेव है ये आपका मैनुअल है तो मैनुअल में क्या होता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ये टेम्परेचर अटेन करने में 121 डिग्री सेल्सियस या फिर इसके अंदर जो प्रेशर है 15 पास्कल ये अटेन करने में ऑलमोस्ट कितने मिनट लगे 20 मिनट लग जाते हैं और 20 मिनट के बाद आपने क्या करना है आपने अपना टाइम स्टार्ट कर देना है वो आपने 15 मिनट नोट करने हैं। जब 15 मिनट ये वाली कंडीशंस अप्लाई हो जाएं देन आपने क्या करना है आपने इस ऑटोक्लेव का जो प्रेशर है वो रिलीज कर देना है। प्रेशर रिलीज करके और देन आपने क्या करना है आपने ये आपने इन दोनों मीडिया को निकाल लेना है और एंड नाउ योर मीडिया इज रेडी फॉर योर कल्चरिंग। वो कल्चरिंग कैसे करते हैं कि वो हम नेक्स्ट लैब में देखेंगे ठीक है। तो ये आपके पास एक एगर पाउडर है और ये आपके पास एलबी ब्रॉथ है जी। सर ये जो आपने अभी ऑटोक्लेव वाला बताया एक दफा दोबारा बता दे ऑटोक्लेव कैसे करना है। सर ये पूरा ये वही साइड वाला था नहीं ये जो आपका ऑटोक्लेव है ना ये मैनुअल है इसमें आपने क्या करना होता है ऑटोक्लेव के अंदर एक्चुअली आपका एक कंटेनर होता है ऐसे और देन इसके ऊपर एक बड़ा कंटेनर होता है ठीक है और इसके ऊपर आपने इसका जो होता है लीड होता है हैवी लीड होता है इसका और इसके ऊपर एक क्या लगा होता है इंडिकेटर लगा होता है जो टेम्परेचर और प्रेशर को शो कर रहा होता है और देन यहाँ पर नीचे इसमें क्या होता है वाटर होता है ना और इसके नीचे क्या लगी होती है वायर होती है इलेक्ट्रिक वायर होती है। तो जब आप इलेक्ट्रिक वायर ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक वायर से क्या होता है कि ये वाटर को क्या करती है वाटर को हीट करती है वाटर हीट होगा वाटर के अंदर क्या जा रहा है वाटर के अंदर आपके ये यूटेंसिल्स पड़े हुए हैं ये आपकी बैटरी प्लेट्स हो गई या आपका जो मीडिया वो पड़ा हुआ है आपकी प्लेट्स पड़ी हुई है ठीक है रैप करके आपने रखी हुई है। तो इसके अंदर वो क्या जाएगी वो जब वाटर गर्म हो रहा है जो हीट बन रही है वो इसके अंदर जा रही है और ऊपर से आपने क्या कि आपने हैवी लिड किया हुआ है इसको आपने एयर टाइट किया हुआ है। जब ये एयर टाइट होगा तो क्या होगा यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा वो लेस हो जाएगा और वो इधर से इंडिकेट हो रहा होगा कि कितना प्रेशर हो गया है। जब आपके पास 15 पास्कल हो जाए तो देन आपने क्या करना है कि आपने टाइम नोट करना स्टार्ट कर देना है। जब 15 मिनट गुजर जाए तो देन आपने क्या करना है इसका जो स्विच है वो ऑफ कर देना है
स्विच ऑफ करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इधर से प्रेशर रिलीज करना होता है, यहाँ पर इसके क्या लगे होते हैं, नॉब्स लगे होते हैं, आप इनको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसका एक रिलीजिंग बटन भी होता है, तो ये भी आपके सामने करेंगे। तो देन क्या करना है आपने, जब ये ऑटो क्लेम हो जाए आपका मीडिया और आपके अटेंडेंस, अटेंडेंस को आप क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ। ठीक है सर, मैंने ये नहीं पूछा था। क्या पूछा था सर? वो जो हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे थे वो 100 ग्राम और ml और उसमें कितना, वो वाला मैंने पूछा। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे जो हमारे पास बेसिकली है कि आप ये आपके पास पाउडर फॉर्म में है, तो पाउडर फॉर्म में आपने क्या करना होता है कि 1 लीटर के लिए आप पाउडर लेते हैं 28 ग्राम, अगर आपने न्यूटन डैगर बनाना है सॉलिड मीडिया, या फिर आप एलबी ब्रॉथ बना रहे हैं तो उसके अंदर 1 लीटर के लिए आप 12 ग्राम लेते हैं। इससे आपका क्या बनता है, एक आपका एलबी बन जाता है, आपका न्यूटन एगर बन जाता है। तो हम कितना बना रहे हैं, हम 100 ml बना रहे हैं, तो 100 ml के लिए हमें 7 ग्राम चाहिए होता है फॉर द पर्पज ऑफ न्यूटन एगर, जो हमारे पास सॉलिड मीडिया आ रहा है। या अगर हम बनाना चाह रहे हैं एलबी ब्रॉथ बनाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास 3.5 ग्राम आता है। तो ये आप टेस्ट लेते हैं, आपने पहले ये अपना वेट किया, इसका वेट करके आपने ये इसके अंदर जो आपका फ्लास्क है इसके ना आपने पहले 10 ml वाटर ऐड किया, और उसके अंदर आपने ये जो वे किया पाउडर उसको ऐड करके इसको डिसॉल्व किया, और देन जो रिमेनिंग 90 ml वाटर है वो भी इसके अंदर डाल के ऐड कर दिया और ऐड कर उसको अच्छी तरह शेक किया, और देन उसको आपने थोड़ी सी देर के लिए ओवन में रख दिया। ओवन में क्यों रखेंगे, कि आपका जो पाउडर है वो उसके अंदर अच्छी तरह डिजॉल्व हो जाए, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को क्या करते हैं हीट करते हैं तो क्या होता है कि उसका अच्छी तरह सोल्यूशन बन जाता है, वो सोल्यूशन अच्छी तरह बन जाएगा। अगर आपने देखना हो देन उसके बाद आपने क्या करना, उसको ऑटो क्लेम करवाना है। अगर आपने देखना हो कि आपका जो ये मीडिया बना है ये सही बना है या नहीं बना, तो इसके लिए आप क्या देखते हैं, देन इसको आप फिजिकली देखते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। अगर वो ट्रांसपेरेंट ना हो तो उसका मतलब है वो अच्छी तरह ऑटो क्लेम नहीं हुआ, उसको आप अगेन ऑटो क्लेम करवाएंगे। अगर वो अच्छी तरह ऑटो क्लेम नहीं हुआ देन उसका मतलब है उसके अंदर क्या रह गई है, कोई इम्प्योरिटी रह गई है, वो अच्छी तरह स्टरलाइज नहीं हुआ, हो सकता है वो आपके पास अच्छा रिजल्ट ना दे। ठीक है यस सर। तो फ्लास्क ले आओ, Yeah.
अच्छा तो इसमें कुछ आपको समझ आया तो मुझे बता दें। ये हमजा कौन है? हमजा शेर वकासन ये जो बॉयज है ये अपना कैमरा पे एक बार ऑन करें। बॉयज अपना कैमरा ऑन करें। कासिम आप कैमरा ऑन करो। मोहम्मद कासिम ये ले सर कर लो बंद। हमजा भी करें आप लोगों को मैंने देखा वो नहीं है कुछ भी। हमजा भी शान हमजा करें ऑन। हमजा भी सर हमजा से करवाए अजीब से भी करवाए सर। हाँ हमला करें ऑन कैमरा अपना। हमला क्या नहीं हरमी सर ये आपको सुन रहा है लेकिन कैमरा नहीं ऑन कर रहा। करेगा क्यों नहीं करेगा? हमला करें ऑन कैमरा अपना। शाबाश हमजा आपने कैमरा नहीं ऑन किया। मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर रहा हूँ। Thank you.
ये अभी हम सेवन ग्राम लेंगे हमारे पास 7 ग्राम है। तो ये हमारे पास ब्रॉथ है, एल्बी ब्रॉथ। तो ये हम कितना लेंगे? 3.5 ग्राम। लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा? ये लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है जी सर। ये हमारे पास होगा 3.5 ग्राम। थोड़ा सा वाटर ऐड किया, अबाउट 10 ml। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ये हमारा जो पाउडर है उसको ट्रांसफर करेंगे। ये हमारे पास 100 ml है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जल। ये इसमें हम पहले 10 ml ऐड करते हैं।
अच्छा ये अभी हम इनको ऑटो प्ले भी करेंगे, ये देखने पहले हमें इन चीजों को क्या करना था, ऐड करना होता है। इफ यू पीपल कैन सी या आपने जो बैटरी प्लेट्स यूज करनी है या फिर आपने जो टेस्ट ट्यूब यूज करनी है उनको आप पहले क्या करते हैं, ऑटो प्ले करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टेबलाइजेशन। आशीष भाई माइक बंद कर ले अपना जी। क्या कह रहे हैं? तो ये हमारे पास एल बी
ग्रोथ है। अभी इसका प्लग बनाएंगे, प्लग इसको ऐसे बनाना होता है कि इसका जो नेक है वो एयर टाइट रहे।
थोड़ा ना जो ये खाली करके थोड़ा वापिस चल गया बस ये सर मुझे पिक्चर है वो जो आपने मेल आपने मेल आई है वो जो पिक्चर सेंड करनी है वो उस मुझे तरीका कार बताएंगे बस उसको अटैच फाइल करके सेंड कर दें वो मोबाइल से पिक्चर ले आएंगे मतलब जैसे हम फाइल सेंड करते हैं मेल पे हाँ उसी तरह बस फीचर लेके सिंपल सेंड करना तो मेल से नहीं कर रहा हम ये देखिए सर मैं आपको बताता हूँ वो मेल में जाता है मैं नहीं है हाँ हाँ यार वो फाइल होती है ना यहाँ से करके वो पिक्चर को हमने यहाँ पे वो पिक्चर मुझे अभी सेंड करो जो है अच्छा वो पिक्चर एक इधर ला आगे पास आने का नहीं कि ऑर्डर एडिट भी करना नहीं नहीं बस वो एडिट भी करना साथ अपना इनफाई आईडी अच्छा ये आपके पास एलवी ब्रॉथ है ये आपके पास लिमिटेड टाइगर है तो और ये आपकी क्या है ये आपकी है बैटरी प्लेट्स हैं एंड दिस इज योर टेस्ट ट्यूब इनको भी आपने ऑटो क्लियर करना है ये ऑटो क्लेव का कंटेनर है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं अपनी चीजें प्लेस करते हुए
ये हमने ऑटो क्लेव कंटेनर के अंदर अपनी सारी चीज़ें रख दी, और इफ यू पीपल कैन सी दैट इज योर ऑटो क्लेव विद यू $2. ये इसका रेट होता है, ये इसके ऊपर ना इंडिकेटर लगा हुआ है, ये शो कर रहा होता है कि अभी इसका टेम्परेचर कितना हो गया है, ये इंडिकेटर लगा हुआ है। जितना जब हमारा 15 पास्कल होगा तो देन आपने अपना जो टाइमर है वो स्टार्ट कर देना है, और देखेंगे कि 15 मिनट के बाद हमने इसको ऑफ कर देना है, और ये इसकी हैवी प्लेट होती है और इसे आप प्रेशर रिलीज करते हैं, ठीक है। बाकी ये इसके क्या है हुक्स हैं जिससे आप इसको एयर टाइट करते हैं, भी आपका ऑटोक्लेव ऑन हो गया। ये ऑलमोस्ट हाँ जी, तो ये ऑलमोस्ट आपका जो है 1.5 घंटे के अंदर, इससे लेस भी टाइम हो सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन, तो ये विद इन आपका 1.5 ये आपकी जो ऑटोक्लेविंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद हमारे पास जो प्लेट्स बनेगी या हमारे पास जो मीडिया बन गया उससे देन हम फर्दर क्या करेंगे, हम लोग कल्चर लगाएंगे, कल्चर फ्रॉम एनवायरनमेंट, कल्चर फ्रॉम एल्गीब्रो पे कैसे कल्चर लगाते हैं, या हम एगर प्लेट के ऊपर कैसे कल्चर लगाते हैं, और देन इसके बाद हम सब कल्चरिंग भी करेंगे। लेकिन ये आपका बेसिक स्टेप है कि आप मीडिया कैसे बनाते हैं, चीज़ों को यूज़ करने से पहले उनको आप लोगों ने ऑटो क्लेम करना होता है। So this is how you made autoclaving and how you prepare your new growth media. Okay, now you have any questions, you are welcome. कोई बात इसमें आप लोगों को समझ नहीं आई या कोई कंफ्यूजन रह गई आप लोगों की तो बताएं। हाँ मना कुछ है समझ इसमें आपको? आमना बीबी ये देखिए, ये लोग सो रहे हैं, क्लास भी ले रहे हैं। आमना जवेद आप बता दें। कोई हाल ये माहम आपको कुछ आया समझ? माहम जावेद, माहम इजाज़, सॉरी
वाहम को भी नहीं आया, आमना जवेद आमना बीबी को भी नहीं आया। अच्छा बिस्मा, आपको कुछ चीज इसमें समझ आ गई? तो यस सर। कल्सुम आपको? जी सर आइए, मैंने बोला था पहले ये कनेक्शन का प्रॉब्लम है, शायद इस तरह से वॉइस ना गई हो। सर मुझे भी आ गई है समझ। अच्छा हसीब, ठीक है। किसी की कोई भी किसी भी तरह की कोई क्यूरी हो आप लोग पूछ सकते हैं। सर यस, सर जो आप विटामिन्स की बात कर रहे थे, मिनरल्स वगैरह की, तो जो विटामिन्स हैं वो कोई स्पेसिफिक विटामिन्स होंगे जैसे ए ई वगैरह, ये विटामिन्स होते हैं या सारे ही विटामिन्स? कुछ विटामिन्स आपकी बॉडी में मेजर होते हैं, कुछ माइनर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में जो है मैग्नीशियम या फिर हम आयरन की बात करें, आयरन वैसे तो ट्रेस एलिमेंट में आता है, लेकिन ये जो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन उसके साथ बाइंड करता है, या फिर अगर हम फास्फोरस की बात करें, तो ये जो आपकी बॉडी में जितनी भी एटीपी बनती है तो उसमें आ जाती है, माइनर में आ जाता है, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम जनरली बात कर रहे थे, ठीक है। उसमें वैसे हम देख रहे हैं कि जो इनकी प्रोटीन स्ट्रक्चर में जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे आपके पास नाइट्रोजन आ जाए या फिर इनमें फॉस्फोरस आ जाए या फिर कैल्शियम आ जाए, इस तरह। जी अच्छा, आई थिंक जी कौन? जी सर, एक आपने नाम लिया था एक टाइप ऑफ मीडिया का सर, लोस्टीन जेंसन मीडिया। सर तब आई गॉट डिस्कनेक्टेड सर, वो किसी वो हमने कहा था कि हमारे पास एनरिच मीडिया है जो कि फॉर द स्पेसिफिक ग्रोथ के लिए होता है, फॉर माइकोबैक्टीरियम। मैंने कहा था कि ये माइकोबैक्टीरियम को अगर हमने कल्चर लगाना हो इसका, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोएनस्टाइन जेंसन मीडिया वो हम यूज़ करते हैं। हमने उसमें कुछ एडिटिव ऐड किए होते हैं जो फेवर करते हैं माइकोबैक्टीरियम की ग्रोथ को, ठीक है। ओके सर। हाँ अभी आप एक ही क्विज हुआ है। यस सर जी। नेक्स्ट वीक में आई थिंक आप मिट्स हैं। जी सर। चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिट्स। थैंक यू सर। चलें, अगर आपको कोई क्यूरी नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं। मुझे ये अच्छा एक सेकंड, ये तो मोहम्मद हमजा, हमजा किधर है? हमजा नहीं। अच्छा मुझे भेज दें, अटेंडेंस भेज दें, देन आप लोग जा सकते हैं। ओके सर। कोई भी किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। ये जब आपकी चीज़ें ऑटो क्लेव हो जाएंगी तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लैब में हम इकट्ठे हमारे 3-4 प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ठीक हो गया? ओके सर। हाँ ओके ओके, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी सर। जी अरिया सर, प्लीज कर दीजिएगा। क्या कह रही हैं सर? मैं कह रही हूँ रिकॉर्डिंग स्पीच शेयर कर दीजिए। हाँ हाँ श्योर, मैं आज आपको सारी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगा। ओके सर। ओके। अच्छा एक और बात है, ये ना आप अपने ये जो आपकी है जूम आईडीज पे आप अपनी प्रोफेशनल पिक लगाएं, दैट रिप्रेजेंट योर सेल्फ। ओके तो क्या आप लोग जा सकते हैं?